बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और बताया जा रहा है कि यूपी की मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ये नई लिस्ट है उम्मीदवारों की, जिसमें कुल 8 नाम शामिल हैं। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा के बदले नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आनंद, उनका रुख करेंगे। आनंद, 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया लोकसभा चुनाव के तहत, जरा उनके नाम बताइए, कौन कौन सीट से कौन है उम्मीदवार? जी देखिए, 9 सीटें हैं जिसके लिए बीजेपी ने अपनी 10वीं सूची में उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। सबसे पहला नाम अगर हम बताया, चंडीगढ़ सीट से संजय टंडन को टिकट दिया गया है। चंडीगढ़ से अभी जो मौजूदा सांसद उनका टिकट काट कर संजय टंडन को दिया गया है। इसके अलावा जयवीर सिंह ठाकुर जो कि मंत्री रहे, उनको मैनपुरी से उतारा गया। कौशाम्बी से विनोद सोनकर का टिकट फिर से रिपीट किया गया है, हालांकि इनके टिकट कटने की बात चल रही थी लेकिन इनको फिर से रिपीट किया गया है। प्रवीण पटेल को फूलपुर से टिकट दिया गया। इलाहाबाद से जैसा कि आपने भी बताया, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया, उनकी जगह नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। और एक बड़ी बात, बलिया सीट से ये चर्चा चल रही थी किसी भूमिहार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन नीरज शेखर को टिकट दिया गया है जो कि पहले से वहां सांसद रह चुके हैं, फिलहाल अभी राज्यसभा में है और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज को और गाजीपुर सीट से पारस नाथ राय को टिकट दिया गया। इसके अलावा SS अहलूवालिया जो है उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल की जो एक हॉट सीट है वहां से उम्मीदवार बनाया गया। तो बीजेपी ने आज अपनी 10वीं सूची में 9 नाम जारी किए हैं। हालांकि अभी भी यूपी की लगभग 4 से 5 सीटें जो है उसपे उम्मीदवारों के नाम ऐलान नहीं किया गया। उसमें एक सबसे अहम नाम जो है वो कैसरगंज से है जो कि अभी भी वो होल्ड पर है। जी बिल्कुल आनंद, और रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है, इसे लेकर और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे, क्योंकि वजहें जो हैं वो क्या रही रीता बहुगुणा जोशी के टिकट कटने के पीछे? देखिए, स्थानीय स्तर पर उनका विरोध हो रहा था, कार्यकर्ताओं को लेकर शिकायतें थी और यही वजह है कि जब जो सर्वे जो बीजेपी ने कराया, 3 से 4 सर्वे पिछले 15-20 दिन वहां से बीजेपी ने सर्वे कराया, उसमें रीता बहुगुणा जोशी को लेकर जो फीडबैक है वो सही नहीं आ रहा था और यही वजह है कि रीता बहुगुणा जोशी की तरह जगह दूसरे ब्राह्मण को वहां से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया। और इसके अलावा जो चंडीगढ़ की सीट है वहां से भी किरण खेर का टिकट कट गया है, उनको लेकर भी ऐसी शिकायतें आ रही थी कि वो पूरा समय चंडीगढ़ को नहीं दे पा रही है। साथ ही साथ उनका कुछ स्वास्थ्य लेकर भी इनकी कुछ दिक्कतें थी, स्वास्थ्य समस्याएं थी, उसको भी ध्यान में रखकर पार्टी ने वहां से उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह संजय टंडन को टिकट दिया है। आनंद, जो उत्तर प्रदेश की टिकटें और जो उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया, क्या इसमें जो स्थानीय सामाजिक गणित है उसका भी कुछ प्रभाव नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, कौशाम्बी की अगर हम सीट देखी जाए विनोद सोनकर की जो कि वहां से मौजूदा सांसद हैं, 2 बार पहले के सांसद रह चुके हैं, बीजेपी ने फिर से उनको टिकट दिया। हालांकि इनको लेकर भी बीजेपी ने 3-4 बार सर्वे कराए थे, इनका इनकी उम्मीदवारी जो बीजेपी ने अपनी 10वीं सूची में जारी की उसके पीछे वजह यही थी कि इनको लेकर भी वहां पर स्थानीय स्तर पर विरोध चल रहा था, लेकिन बीजेपी को वहां कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं मिला। तो ऐसे में विनोद सोनकर को बीजेपी ने फिर से रिपीट करने का फैसला किया। फूलपुर की जो सीट है वहां से भी प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी ने आज की जो सूची है इसमें भी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो सामाजिक समीकरण है उनको साधने की कोशिश की है। तो देखिए, जो बीजेपी ने टिकटों की लिस्ट जारी की है उनमें अहम नाम हम आपको बता रहे हैं, 8 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है और किन किन सीटों से किन किन प्रत्याशियों को बीजेपी ने उतारा वो हम आपको बता रहे हैं। जो महत्वपूर्ण नाम है, बलिया से देखिए नीरज शेखर को टिकट दिया गया है, आसनसोल से SS अहलूवालिया को टिकट दिया गया है और इसके अलावा देखिए इलाहाबाद की जो सीट थी चर्चित सीट, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट यहां से कट गया, ये अपने आप में बड़ी खबर है इस ऐलान के बीच, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी वरिष्ठ नेता रही हैं और सीनियर पॉलिटिशियन रही हैं, बावजूद इसके उनका टिकट जो है कटा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ। आनंद, अगर देखा जाए रीता बहुगुणा का आप जिक्र कर रहे थे और स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा था, बावजूद इसके कि काफी सीनियर एक्सपीरियंस लीडर रही हैं वो, लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया गया, क्या सिर्फ और सिर्फ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनका ही विरोध इसके पीछे का कारण रहा है?
एक तो स्थानीय स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध था कि पूरा समय उनको नहीं दे पा रही थी और दो तीन जगह उनका विरोध भी हुआ था। इसके अलावा एक उम्र भी फैक्टर है और तीसरी बड़ी बात है कि जो विकास करना चाहिए वो विकास नहीं कर पाए। उसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही थी कि जो सांसद की जो निधि होती है उनकी जो सांसद निधि थी बतौर सांसद निधि उसमें से भी आधे से ज़्यादा पैसा जो आवंटित होता है वो बचा ही रह गया था, वो यूज नहीं कर पाई थी। तो ऐसे कई फैक्टर्स थे जब बीजेपी ने जो सर्वे कराया उसमें तमाम फैक्टर्स जो सामने आए उसमें ये तीन चार बातें अहम थी। एक तो उनको एक्टिव नहीं बताया गया, कार्यकर्ताओं ने उनको लेकर नाराजगी जताई, और तीसरी बात यह कि जो विकास के जो काम होने चाहिए थे वो विकास के काम नहीं कर पाए। उसके पीछे एक वजह बताई गई कि वो अपने फंड का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए जो बतौर सांसद निधि उनको मिलती है। तो कई फैक्टर्स रहे और बीजेपी को लगा कि अगर उनकी जगह किसी युवा चेहरे को टिकट दिया जाता है तो बेहतर होगा। ब्राह्मण्स को रिपीट किया है वहां से लेकिन चेहरा बदल दिया है। बीजेपी को लगता है कि अब जो उनकी सीट है फिर से इस बार भी वो सीट बरकरार रहेगी, और यही वजह और यही जो बीजेपी ने जितनी भी सीटें होल्ड की हैं आपको हम बता दें कि बीजेपी लगातार उन सीटों पर लगातार सर्वे करा रही है, और यही वजह है कि उस सर्वे का नतीजा है कि बीजेपी 8-9-10 सीटें जो ऐसे जारी कर रही है। अभी भी कई सीटें बीजेपी की लगभग मुझे लग रहा है 15-20 सीटें बीजेपी की बची हुई है, वो ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई है और बीजेपी को लगता है कि वहाँ उम्मीदवार चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। उसको लेकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रही है, संगठन का फीडबैक ले रही है, स्थानीय संघ के जो नेता है उनका फीडबैक ले रही है, और बीजेपी की जो सर्वे है वो लगातार उन सीटों पर चल रहे हैं क्योंकि 400 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया है 370 पार बीजेपी के दिया गया, बीजेपी उसको हर हाल में पूरा करना चाहती है और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती कि जो उसका प्रत्याशी है उसका अपने कार्यकर्ता या फिर जनता विरोध करे। मैनपुरी की सीट बहुत दिलचस्प है और उसको लेकर भी बीजेपी ने ऐलान कर दिया, जयवीर सिंह ठाकुर को उतारा है, तो ये मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? ये नाम अपने आप में डिंपल यादव के सामने, क्योंकि डिंपल यादव का मतलब ये है एक स्टार चेहरा है समाजवादी पार्टी। जी बिल्कुल, जयवीर सिंह ठाकुर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और ये वहाँ पे काफ़ी एक्टिव बताए जाते हैं, और यही वजह है कि डिंपल यादव को अगर आपको टक्कर देनी है तो आपको वहाँ पे एक कद वाला नेता चाहिए, और यही वजह है कि इनका नाम लगभग 3-4 दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से तय कर दिया गया था कि, और आज सुबह हमने खबर भी दिखाई थी कि बीजेपी उनको वहाँ से चुनाव मैदान में उतारेगी। और बीजेपी ने एक डिंपल यादव के सामने एक ऐसा चेहरा दिया है कि जो उनको न सिर्फ टक्कर देते हुए दिखेगा बल्कि जमीन पर भी उसका असर होगा, और बीजेपी को लगता है कि अगर मजबूती से वहां पे लड़ा गया तो डिंपल यादव को हराया जा सकता है। और यही वजह है बीजेपी किसी को भी कोई भी बड़ा विपक्षी चेहरा हो किसी भी कद का हो उसको वॉक ओवर देना नहीं चाहती, और यही वजह है जितने बड़े चेहरे हैं विपक्ष के बीजेपी उनके खिलाफ अपने मजबूत चेहरों को उतार रही है मैदान में। जी आनंद, एक और सीट है आसनसोल की सीट, काफी चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को टिकट दिया गया था, हालांकि बाद में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। अब जो उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है एस आलूवालिया, इनका नाम बताया जा रहा है, इनके बारे में क्या जानकारी है? SS आलूवालिया जी, जी बिल्कुल, SS आलूवालिया जो है वहाँ पे आपको शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपने बताया कि पवन सिंह को वहाँ से टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह के जो पुराने कुछ गानों के जो वीडियो थे जिसमें ये कहा गया था कि कुछ आपत्तिजनक उन्होंने गाने बनाए हैं खासतौर से बंगाल की जो महिलाएं हैं उनको लेकर, तो स्थानीय जो बीजेपी की यूनिट थी पश्चिम बंगाल इकाई थी उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि जहाँ एक तरफ हम संदेश खाली के मुद्दे को पूरे देश भर में उठा रहे हैं उस मुद्दे की हवा निकल जाएगी अगर हम पवन सिंह को यहाँ से टिकट बरकरार रखते हैं। तो जिसके बाद पवन सिंह को यहाँ पे बुलाया गया, उनकी मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, उन्होंने अपना टिकट वापस किया। लेकिन खास बात यह है कि जो जिनको टिकट दिया गया है SS आलूवालिया, ये केंद्र मंत्री रहे हैं, दार्जिलिंग से भी ये सांसद रह चुके हैं, और ये बिहार में पले बड़े हैं, बहुत अच्छी ये न सिर्फ भोजपुरी बोलते हैं बल्कि इनको स्थानीय जो ज्ञान है वहाँ के जो रीति रिवाज है ये बिहार में इनकी पढ़ाई हुई है, तो और यही वजह है कि वहाँ पे आसनसोल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे ज़्यादातर जो है पूर्वांचल के हों बिहार के हों या फिर भोजपुरी स्पीकिंग जो वहाँ पे वोटर्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में बीजेपी ने जो वहाँ जो सर्वे किया जो कैलकुलेट किया तो बीजेपी को लगा कि अगर आलूवालिया को आप वहाँ से टिकट जाता है। अभी तक जो आपने जानकारी दी है उसमें बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी ने 9 नामों की सूची जारी की है, यानी 10वीं लिस्ट जो है उसमें 9 कैंडिडेट्स के नाम हैं और 4 लोगों के टिकट कटे हैं, 4 सिटिंग MPs के टिकट कटे हैं। फूलपुर से केसरी देवी पटेल का टिकट कटा है, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा है और चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कटा है। आनंद, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कुल मिलाकर, और खास करके अगर हम यूपी की बात करें, एक अहम सीट गाजीपुर की, पारसनाथ रॉय को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है, यानी अफजाल अंसारी का सामना पारसनाथ राय से होगा।
जी बिल्कुल, पिछली बार बीजेपी ये सीट हार गई थी, मनोज सिन्हा हार गए थे, जिसके बाद उनको गवर्नर बना के भेजा गया था। बीजेपी को ये सीट जो है भूमिहार को ही देनी थी, ये पहले से तय था। भूमिहार की आबादी वहाँ पे अच्छी खासी है, भूमिहार वोटर्स वहाँ पे अच्छे खासे हैं, और यही वजह है कि पारसनाथ राय को वहाँ से टिकट दिया गया। हाँ, थोड़ी सी चुनौती जरूर बड़ी होगी, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी का जो अब दबदबा कम हुआ है उनकी मृत्यु के बाद, और साथ ही साथ जिस तरह से एक तरह कहा जाए कि जो हिंदू वोटर्स जो लामबंद हुए हैं उसका फायदा बीजेपी को यहां से मिल सकता है। साथ ही साथ जो आसपास की जो सीटें हैं, बलिया है, गाजीपुर है, घोसी है, वहां उसका असर भी गाजीपुर की सीट पर पड़ेगा, और यही वजह है कि पारसनाथ राय को वहां से टिकट दिया गया। हालांकि चर्चा यह भी थी कि पिछले कुछ दिनों से जो कहा जाए कयास लगाया जा रहा था कि संभावना जताई जा रही थी कि मनोज सिन्हा को वहां से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि चर्चा यह भी थी कि मनोज सिन्हा अपने बेटे के लिए वहां से टिकट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने तमाम बातों को दरकिनार करते हुए, तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए पारसनाथ राय को वहां से टिकट दिया है। बीजेपी गाजीपुर की सीट को रिटेन करना चाहती है, उसको लगता है कि अगर पूर्वांचल में गाजीपुर की सीट को अगर हम रिटेन करते हैं तो वोटर्स में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ऐसे में साथी अगर पूर्वांचल की सीटों की हम बात कर रहे हैं, जरूरी होगा क्योंकि मुख्तार अंसारी के बाद वहां पे जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो लामबंद हुए हैं। हम पूर्वांचल के सीटों की बात करें तो बलिया को लेकर भी क्या इक्वेशन सेट हुआ है और नीरज शेखर को मैदान में उतारा गया है, यानी कि एक तरीके से देखी जाए कि एक पुरानी पारिवारिक विरासत वाली सीट रही थी, नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया गया। अनंत, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा है। पिछली बार वो उनको बलिया से लड़ाया गया था, जबकि उनकी सीट बदली गई थी पिछली बार, और बलिया से उनको टिकट दिया था, वीरेंद्र सिंह मस्त वहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन नीरज शेखर की बात अगर हम करें तो नीरज शेखर ने खुद पार्टी को ये लिख कर दिया था कि वो बलिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि वो पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पिछली बार वो जो बाइप उसमें उनको कंसिडर नहीं किया गया था, अखिलेश यादव ने भी उनको टिकट नहीं दिया था पिछली बार, जिसके बाद वो नाराज होकर बीजेपी में आ गए थे। और इस बार उन्होंने पार्टी को बकायदा बता दिया था, जेपी नड्डा को लिखकर उन्होंने बताया था कि बलिया की सीट उनकी परंपरागत सीट रही है, उनके पिताजी वहां चुनाव लड़ते रहे, तो ऐसे में अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वो ये सीट बीजेपी को जीत कर उस बीजेपी की झोली में डालेंगे। और यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट कर इस बार नीरज शेखर को टिकट दिया गया। आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी पंकज झा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे रोविंग एडिटर। पंकज, खास करके गाजीपुर की जो सीट है वो ज्यादा ही सुर्खियों में है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहां पर किस तरह के समीकरण बदले हैं, क्योंकि अफसल अंसारी का सामना अब इस सीट पर पारसनाथ राय से होगा। देखिए, चार सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी, और उसमें मैनपुरी डिंपल यादव जो चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से यूपी सरकार के मंत्री जो है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को दिया गया है। हाँ। अब रही बात गाजीपुर से, कि गाजीपुर से किसको टिकट मिलेगा, और गाजीपुर और बलिया सीट अगल बगल में पड़ती है, और जाति समीकरण भी देखना पड़ता है। वहाँ से पहले मनोज सिन्हा चुनाव लड़ा करते थे, 10 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ से। इस बार उन्हीं के करीबी जो हैं पारसनाथ राय, और ये भूमियार बिरादरी से आते हैं, उनको बीजेपी से टिकट मिला है। और बलिया से अगर देखें तो वहाँ से जैसे कह रहे थे ना आनंद पांडे, वीरेंद्र सिंह मस्त जो ठाकुर बिरादरी के हैं, तो वहाँ ठाकुर बिरादरी के ही आदमी का टिकट काट कर नेता का, जो नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको टिकट मिला है। लेकिन आज जो 7 उम्मीदवार दिए गए हैं ना, उसमें कैसरगंज से जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो अभी सांसद हैं, उसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि वहाँ से किसको टिकट मिला, उसकी अभी घोषणा नहीं की गई है। बिल्कुल, और मैनपुरी को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी, लेकिन सवाल यही है कि मैनपुरी तो बहुत ही सुरक्षित सीट रही है समाजवादी पार्टी की, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए वो बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के परिवार की विरासत और फिर उनकी बहू मैदान में है वहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि वाकई में समाजवादी पार्टी का और मुलायम सिंह यादव परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन अगर हम 2019 के आम चुनाव पर गौर करें ना, तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव सिर्फ 1 लाख वोटों के अंतर से जीत पाए थे। बाद में जब उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ तो वहाँ डिंपल यादव की बड़ी जीत हुई है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज की तारीख में बहुत कंफर्टेबल है वहाँ समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने वहाँ मजबूत उम्मीदवार उतारा है, उन्हीं के नाम की चर्चा थी कि जयवीर सिंह को ही वहाँ से लड़ाया जाएगा, उन्हीं के नाम पर मुहर भी लगी है। हालांकि कई दावेदार मुलायम सिंह परिवार के भी बताए जा रहे थे, अपर्णा से लेकर अरुण जेश यादव, लेकिन जयवीर सिंह को टिकट मिला है। जी पंकज जी, फूलपुर और इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, किस तरीके के सियासी समीकरण साधते हुए इनके नामों की घोषणा की गई है, वहां का सियासी समीकरण क्या कहता है?
देखिए दोनों ही जगहों पर यह था कि जिस बिरादरी के लोग हैं उनका टिकट कटा है, लेकिन उसी बिरादरी के नेता को टिकट मिला है। अब देखिए जो इलाहाबाद का जो है प्रयागराज का जो मामला है, वहाँ से रीता बहुगुणा जोशी थी और जैसे उनके बेटे मयंक जोशी पिछली बार विधानसभा चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी चले गए थे, तभी से ये बात साफ होने लगी थी कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। उनके बदले जिनको टिकट मिला है वो नीरज त्रिपाठी, वो आपको बताऊं कि यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे और बंगाल के गवर्नर रहे केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, यानी ब्राह्मण के बदले में दूसरे ब्राह्मण नेता को टिकट मिला है। वैसे ही फूलपुर जहां से केसरी पटेल जो वहां से थी सांसद, वो कुर्मी बिरादरी के, पटेल बिरादरी के, उनके बदले में प्रवीण सिंह पटेल को मिला है जो वहां से विधायक हैं बीजेपी के, इससे पहले बीएसपी के भी विधायक रहे, तो उनको टिकट मिला। यानी सामाजिक समीकरण वैसे ही बनाया रखा गया है, सिर्फ चेहरे बदल दिए गए हैं।